हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सब बढ़िया हो गए। सो गाइस सुबह सुबह अलग ही कांड चल रहा है। अरे हमने ऐसा नहीं किया। अरे अरे टिल्लू तू तो मेरा दोस्त है, तू तो मेरे को जानता है भाई, मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? मेरा फैमिली ऐसे कर सकता है क्या? सो गाइस असल में हुआ क्या, सो हम सब ना एक डायमंड का रखवाली करते आज सुबह सुबह। आज देखा वो डायमंड किसी ने चोरी कर लिया। चोरी करने के बाद जो सो गाइस पूरा जिम्मेदार हमें ठहरा रहे हैं, बोल रहा है तेरा फैमिली चोर है, तूने तेरा फैमिली डायमंड चोरी किया है। सो गाइस ऐसा कोई सीन नहीं है। सारे लोग मेरे को मुल्क से निकाल रहे हैं, आई मीन मेरे फैमिली को पूरे मुल्क से निकाल रहे हैं। इसलिए गाइस सुबह सुबह पूरा अलग ही कांड चल रहा है यहाँ पे। अरे यार तेरे को तो पता है मैं तेरा तो दोस्त हुआ, तू तो मेरे को जानता है ना टिल्लू। अरे यार मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ, तू मेरा अच्छा दोस्त है, बट भाई किसने चोरी किया क्या बताए? सारे तो बोल रहे हैं तेरे तूने चोरी किया है। अरे मैं तेरे को बार बार बोल रहा हूँ, मैं चोरी कर सकता हूँ क्या? अरे चोर के बच्चे यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरे फैमिली को पूरा मार डालूंगा। देखो गाइस कैसे उल्टा सीधा कह रहा है भाई, इतना जोर से गुस्सा आ रहा है, काश मैं भी खतरनाक होता भाई इसको मारता। चोर के बच्चे यहाँ से सीधा निकल जा साले, तेरा कोई मुल्क में जगह नहीं है चोर के बच्चे कहीं का। सो गाइस देख रहे हो ना मेरे को चोर के आ रहे भाई, हमने डायमंड जो ही चोरी किया है। अरे यार तू राजा जी से पूछ ले। सो गाइस राजा जी को पूछता हूँ। अरे हमको सब मुल्क से निकाल रहे हैं राजा जी, अब कुछ बताओ। अरे पुत्र मेरे हाथ में नहीं है पुत्र, हमारा खानदान का रूल तेरे को पता है ना, जिसने डायमंड चोरी पुत्र उसको निकाल दिया जाता है पुत्र मुल्क से। सो गाइस मुझे रूल्स पता है, सो जो चोरी किया है सो गाइस मेरे को तो पता नहीं यार, मेरे फैमिली तो भाई किसी ने कोई डायमंड का हाथ नहीं लगाया। सो गाइस अभी भाई पूरे फैमिली को निकाल रहे हैं, ये भाई मेरा छोटा भाई और मम्मी भाई दोनों को निकाल रहे हैं। अरे बेटा यहाँ से चले जाओ बेटा, ये सब बात नहीं मानेंगे हम लोगों का, यहाँ से चल जाना ज्यादा बेहतर रहेगा, दूसरी जगह जाके रह लेंगे बेटा, फटाफट यहाँ से चल जा। अरे बेटा तेरे को पता है ना हम सब यहाँ पे रखवाली करते हैं। हाँ यार क्या दूसरा जगह जाके हम लोगों को रहना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ तो मुल्क से हम सब बाहर आ चुके हैं। अरे भैया हम सब कहाँ पे जाएंगे? अरे मुझे नहीं कुछ पता यार छोटे भाई, फटाफट आप यहाँ पे आ जाओ। अरे फटाफट तुम दोनों यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे रहना खतरा होगा भाई। मुफासा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया भाई, सब मार देंगे, फटाफट यहाँ पे आ जाओ। सो गाइस आप लोग सोच रहे हो भाई हमने चोरी किया, बट ऐसा कोई सीन नहीं है। सो हुआ क्या हमारे साथ, आज सुबह सुबह हम सब रखवाली करते हैं, जैसे कि वो डायमंड का रखवाली हम सब करते हैं। हमें भाई हम सब है पिंक लायन के खानदान से, इसलिए हमारा कलर पिंक भी है। सो गाइस हम सब वहाँ का रखवाली करते हैं, और अचानक से आज किसी ने चोरी कर लिया। चोरी करने के बाद हमें जिम्मेदार ठहरा दिया भाई, किसी ने चोरी किया भाई, इतना जोर से गुस्सा आया भाई वो डायमंड भाई, मैं तो उसको पूरा मार डालता। फिलहाल के लगाइस हम सब फैमिली लोग बहुत बाहर आ चुके हैं। सो गाइस हम लोगों को एक सेफ जगह जाके अपना घर बसाना पड़ेगा, फिर से रहना पड़ेगा, नहीं तो गाइस हम लोग रात में शिकार भी हो सकते हैं शिकारी का। सो गाइस देखते हैं भाई दूसरी कोई जगह पे जाकर रहना पड़ेगा। चलो यहाँ पे फटाफट यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो वो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। चलो गाइस यहाँ से फटाफट निकलते हैं। अरे मॉम छोटे फटाफट यहाँ पे आ जाओ। ऑलराइट गाइस हम तो यहाँ पे एक फॉरेस्ट पे आ गए। सो गाइस हम लोग सोच रहे हैं हम यहाँ पे रहेंगे भाई साहब, रात भी होने वाला है। सो गाइस हम सब हमारे जब मुल्क पे थे वहाँ पे हमको टाइम पे खाना मिलता था, बट हम लोग बाहर आ चुके हैं मुल्क से, इसलिए गाइस देख रहे हो ना हमको टाइम से खाना भी नहीं मिलता, और ऊपर से भाई रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। अरे बड़े भैया मेरे को बहुत जोर से भूख लगी, बड़े भैया बहुत जोर से कुछ खाना पाना है क्या? मम्मी मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, मेरे को खाना देना ना। अरे बेटा रुक रुक मैं जाके कुछ शिकार करके लेकर आता हूँ, उसके बाद तुम दोनों खा लियो। चलो मैं फटाफट जाके कोई यहाँ पे शिकार करके ले आता हूँ फटाफट। अरे एक मिनट, ये तो दुश्मनों का इलाका है, यहाँ पे भेड़िया रहते हैं, लेकिन मेरे भेड़े को भी भूख लगा है। चलो यहाँ पे जाता हूँ, कोई यहाँ पे आई थिंक कोई खाना पाना मिल जाएगा, चलो फटाफट इनके लिए खाना ले आऊंगा। बट ये तो दुश्मनों का इलाका है भाई, यहाँ पे तो भेड़िया रहते हैं, भेड़िया ने देख लिया तो हमको मार डालेगा। चलो देखते हैं फटाफट जाते हैं, छुपके छुपके आ जाएंगे। एक मिनट यहाँ पे तो कोई शिकार करने कोई भी नहीं है। एक मिनट वहाँ पे कोई लाइट चल रहा है आई थिंक, लग रहा है वहाँ पे कोई खाना पाना हो सकता है। चलो फटाफट जाता हूँ, मुझे संभाल के जाना पड़ेगा, यहाँ पे भेड़िया लोग देख लेंगे तो भाई मेरे को तो मार ही डालेंगे। एक मिनट बहुत ज्यादा रात हो गया, मैं बहुत टाइम से खाना भी ढूंढ रही हूँ, मेरे छोटे बेटे को भी भूख लगा, दोनों को भी भूख लगा होगा। अरे यहाँ से फटाफट निकलना ज्यादा बेहतर रहेगा, बहुत ज्यादा रात हो गया है, यहाँ से फटाफट निकल जाता हूँ, लगता है भेड़िया लोग यहाँ पे आने वाले हैं। फटाफट यहाँ से निकलते, एक मिनट कौन है ये भेड़िया लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक मिनट क्या काम से? आज देखो कौन आया है, चमक चलो आज रसमलाई मार के खाएंगे रे, मजा आ गया रे टिकाटिल, आज भाई बहुत ज्यादा मजा से खाएंगे तीनों मिलके। हा 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 भाई इतना रात हो गया भाई, कब खाना ढूंढने गए हैं, मम्मी अभी तक नहीं आया। अरे बड़े भैया फटाफट उनके पास जाना ज्यादा बेहतर रहेगा, बड़े भैया लगता है उनके साथ कुछ गलत सीन हो गया भैया। अरे कुछ नहीं हुआ, तू इतना चिंता मत कर, रुक मैं देख के आता हूँ। अरे कुछ नहीं हो सकता हूँ, बहुत ज्यादा ताकतवर है। सो गाइस हमें एक पिंक सिम्बा, इसलिए हम लोग थोड़ा ताकतवर है दूसरे से, बट मम्मी तो अकेला है। अरे भैया फटाफट मम्मी के पास चलो, छोटे के पास सुन लेते फटाफट जाके, देख के आते भाई सीन क्या है भाई, इतना टाइम तो नहीं लगने का। चलो गाइस भाई देख के आते क्या हुआ वहाँ पे।
अरे फटाफट यहाँ पे आ जा, तू सही है ना? हाँ ठीक, मैं तो सही हूँ भैया। एक मिनट भाई, यहाँ पे तो मम्मी होना चाहिए भाई, अभी तक तो मेरे कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे बड़े भैया एक मिनट, हो रहा मम्मी, एक मिनट मम्मी क्या कर रहे हो वहाँ पे? एक मिनट, यहाँ पे तो भेड़िया है भैया, भैया बचाओ भैया, यहाँ पे भेड़िया मम्मी को खा लेंगे। उसका छोटा बच्चा आया है। अरे सुनो सब लोग, आज भाई पार्टी है पार्टी, माँ को भी मार दिया, आज बेटे को भी मारेंगे। क्या बात कर रहा है? मलाई लगा के खाएंगे आज धमाके। अरे तुमने मेरे मम्मी के सामने सट जाओ। अरे तू पहले भाग यहाँ से, टाइम अभी तक है। अरे मैं भागती हूँ एक मिनट में, क्या काम से। अरे भैया बचाओ बचाओ यहाँ से भागो, भेड़िया लोग से मम्मी को खा लिया है, भागो यहाँ से। तू क्या बात कर रहे है, एक मिनट यहाँ पे भेड़िया कब आया? एक मिनट गाइस, मुझे नहीं लग रहा है भेड़ियों का इलाका है। भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा डेंजर जगह है, यहाँ पे मम्मी शिकार करने के लिए आया है। भाई साहब ये तो क्या सीन होगा, अब क्या काम से। भैया भैया भागो भागो भागो, मैं क्या कब से गिर गया। नहीं 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 नहीं, मैं गिर गया शेर, मेरे को बचाओ। नहीं हाँ, क्या लगता है एक मिनट कहाँ पे गया? हाँ ये एक मिनट, ये ले, ये तो नीचे गिर गया है, भैंस की मजा आ गया, चलो इसको भी खाते हैं। हाँ हाँ, अरे सब यहाँ पे आ जाओ, इसके छोटे बेटे को भी खा लेते हैं, अपने अपने मजा आ गया। अरे मत खाते हैं इसको भाई, फटाफट भाग दे भाई साहब। भाई छोटे को क्या हुआ, इतना जोर से क्या ही चीखा भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। सो गाइस मैं ऐसे भाग जाऊंगी उसके पास जाऊं, एक मिनट गाइस मैं फटाफट जाकर उसके पास जाता हूं। भाई क्या हो रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। भाई क्या सीन हो रहा है भाई, कहाँ पे रे छोटे, कहाँ पे, चिल्ला जोर से भाई, क्या हो रहा है? एक मिनट भाई साहब, वो तो भेड़िया उनको खा रहे हैं मेरे छोटे को। फटाफट जाते हो भैंस की, तुम ऐसे हट जाओ भैंस की। मेरे को मारा तूने भाई, से तो बहुत ज्यादा पावर बुले, बहुत ज्यादा ताकत बड़े तूने मेरे को, हाथ कैसे लगाया? अरे सर से लगा के सब यहाँ पे आ जाओ। एक मिनट गाइस, तो तीनों भेड़िया है, तीनों बहुत ज्यादा पावरफुल है। सो गाइस यहाँ से भागना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्यों गाइस? मैं दो मिनट भी रहा भाई, तीनों मिलकर हमको खा लेंगे। चलो गाइस फटाफट यहाँ से भाग दे। हट यार, मैं मेरे फैमिली को यहाँ पे छोड़ के आ गया। शिट गाइस मैं कैसा बंदा हूँ, हट यार मैं तो पूरा गया काम से। चलो गाइस फटाफट भाग दे यहाँ से निकल दे, नहीं तो तीनों भाई भेड़िया हमको मार देगा किसी मौके पे। चलो गाइस कहाँ पे भाग दे, एक मिनट गाइस यहाँ पे कुछ छुपने का जगह है, यहाँ पे भाई छुप जाते फटाफट जाके। ऑलराइट गाइस मैं तो छुप पे आके छुप गया। ऑलराइट गाइस अभी तो सुबह हो गई, लगता है भेड़िया लोग वहाँ से चले गए हैं। चलो गाइस फटाफट फैमिली के पास जाते हैं। मेरे मॉम और मेरे छोटे भाई, भाई क्या कर रहा है वहाँ पे, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। मेरे मॉम और छोटे भाई वहाँ पे, चलो गाइस फटाफट जाते हैं भाई, वहाँ का क्या सीन है? एक मिनट गाइस तो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है भाई साहब, यहाँ पे तो होना चाहिए भाई दोनों को। एक मिनट, कौन कहाँ पे, छोटे कहाँ पे तू? एक मिनट, किसी का जवाब नहीं आ रहा है। एक मिनट भाई यहाँ पे तो, एक मिनट शेड गाइस, भेड़िया लोग ने इसको पूरा खा लिया भाई, तो पूरा मर चुका है। एक मिनट भाई, मम्मी अब ठीक हो? भाई यार इनको भी खा लिया है, मैं तो भाई, मेरा तो कोई फैमिली पूरा डेथ हो गया भाई, कोई नहीं जिंदा रहा, मैं अकेला जिंदा हूँ। हट यार भाई, मैं कैसा बंदा हूँ भाई, मैंने किसी को नहीं बचा पाया। एक मिनट यहाँ पे कौन आ रहा है? एक मिनट गाइस, ये तो वही है मुफासा भाई, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप का एक लायन है। बेचारे का फैमिली खत्म हो गया रे, देवा रे देवा। कल साले, कल भेड़ियों को मैंने बोला था तीनों को खत्म करने का, तेरे को क्यों छोड़ दिया? साले तेरे मम्मी को भी मार डाला, तेरे को भी मार देना चाहिए, तेरे छोटे भाई को तो मार डाला ही है, मजा आ गया रे। अरे जो डायमंड तो वही मैंने छोड़ी गया था, डायमंड तेरे ऊपर पूरा दोष डाल दिया, अब तू पूरे मुल्क के सामने एक चोर है, असलियत में डायमंड तो मैंने चोरी किया था। एक मिनट गाइस ये क्या कह रहा है? सो गाइस डायमंड इसने चोरी किया था भाई, इसके बदले मेरे फैमिली को पूरा बाहर निकाल दिया है। हाँ तेरे फैमिली को भी मार डाला मैंने भेड़ियों से, अब तेरी बारी, अभी तक टाइम है, भाग जा। एक मिनट गाइस, इसने मेरे पूरे फैमिली को खत्म कर दिया भेड़ियों से भाई, मैं जैसे करके जिंदा हूँ। सो गाइस मैं जाके मुल्क पे सारे बंदे को बता दूंगा। हाँ तू जाके बताना, उससे पहले अपना जान तो बचा ले। कहाँ पे तू जाएगा, कहाँ पे भाग रहा है तू? अभी तेरा हो रहा ढाकड़ी रुक। हाँ कब तक भागेगा ऐसे, रुक अभी तेरे को मैं पकड़ के खाता हूँ। एक मिनट, तो बहुत ज्यादा तेज भाग रहा है, अरे लगता है बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, पहले से बहुत ज्यादा तेज भाग रहा है। भाई मैं ऐसे फटाफट भागता हूँ भाई। भाई असल में उसने मेरे पूरा फैमिली को खत्म किया है, उसके बाद डायमंड उसने ही छोड़ किया है। सो गाइस मैं जाके फटाफट मुल्क पे जाऊंगा, सब लोगों को पूरा सच बता दूंगा। सो गाइस मैंने सोचा था वो बहुत ज्यादा अच्छा एक लायन है, वो तो बहुत ज्यादा एक नंबर का शैतान लायन है। एक मिनट गाइस, मैं तो फाइनली मुल्क पे आ गया। चलो गाइस जाके फटाफट सबको बता देंगे, असलियत में डायमंड हमारे फैमिली ने चोरी नहीं किया, हमारे फैमिली कोई चोर फोर नहीं। सो गाइस उसके बाद सब आई थिंक मान लेंगे मेरी बात। चलो गाइस फटाफट जाते हैं, बट सब लोग कहाँ पे गए हैं? भाई मेरा दोस्त भी मेरे को चोर समझता है भाई, उसको भी बता देंगे। एक मिनट भाई, वो तो सामने ही मेरा। अरे यार, अरे तेरे को पता है मेरे फैमिली ने डायमंड चोरी नहीं किया था, वो सब मुफासा का काम है, उसने ही चोरी किया है डायमंड। अरे यार मेरे को सब पता है, मेरे को कुछ टाइम पहले पता चला है। अरे तुझे कैसे पता चला?
अरे मैं बाद में बताऊंगा, फटाफट जाके इसे पोर्टल में घुस जा। अरे सच में फटाफट चल, फटाफट वहाँ पे चल, पोर्टल में तेरे को जाना पड़ेगा। एक मिनट भाई, क्या बता रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। पोर्टल में घुस जा भाई, कौन से पोर्टल है यहाँ पे, कहाँ पे जाऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सुनो गाइस फटाफट जाके, सुनते आई थिंक गाइस बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप का कांड हुआ यहाँ पे। एक मिनट गाइस, ये तो कौन सा पोर्टल चल रहा है भाई साहब, ये क्या हो रहा है यहाँ पे भाई। चाड़ो के चाड़ो किंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस। हाँ ये तो बहुत ज्यादा गंदा सीन हो यहाँ पे। चलो गाइस मैं फटाफट पोर्टल में घुस जाता हूँ, मेरा दोस्त क्या आ रहा था, पोर्टल में घुस जा। किसने पोर्टल में घुस गया है, कोई बंदा, फटाफट उसको निकालो। अरे नहीं निकाल सकता, वो लगता है तेरे को उसको सब पता चल जाएगा। अरे उसको पता नहीं, इसके अंदर जाने के बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल अपग्रेड हो जाएगा, सब जो चाहता है वो हो जाएगा। एक मिनट, हम सब तो क्या काम से। एक मिनट गाइस, मैं बहुत ज्यादा ऊंचे जगह से नीचे गिरा हूं भैंस की। भाई ये कौन सी जगह है भाई, मैं कौन सा पोर्टल में घुस गया था, मेरा दोस्त ने कहा था पोर्टल में घुस जा, मेरे को पोर्टल दिखा, मैं घुस गया भाई साहब, कहाँ पे आ गया तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट गाइस, सामने तो कोई एक माड़ियो खड़ा है। सो पहली बात गाइस, कौन सी जगह है मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई, तो बहुत ज्यादा डेंजरस जगह है। एक मिनट भाई, तो माड़ियो है। सो गाइस उसके पास जाते, उसके पास जाने के बाद उसको पूछते कौन सी जगह है। अरे माड़ियो भाई आपको कुछ पता है कौन सी जगह है। अरे ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया जगह है, अरे मेरा सवाल का एक जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद खड़ जा सकते हो। सो पहला मेरा सवाल है, 30+40 कितना होता है। भाई आप क्या बता रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा 30+40 कितना होता है। और ऊपर से मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के बाद मैं का मेरे घर में जा सकता हूँ। तुम बेटे फटाफट जा सकते हो, तुमको पहले अपना सवाल का जवाब तो दे दो बेटे, उसके बाद तुम जा सकते हो, नहीं दिया तो नहीं जा सकते बेटे। सो गाइस आपकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। So, आपको जैसे पता है भाई, ये बंदा बोल रहा है 30+40 आंसर दो भाई, कितना होता है 30+40। सो गाइस जिनको पता है प्लीज प्लीज कमेंट कर दो, नहीं तो गाइस मैं आगे नहीं जा सकता। एक मिनट गाइस, एक बंदे ने कमेंट किया है 30+40 होता है 70। चलो गाइस इसको बता देते, अरे मारिए भैया 30+40 होता है 70। अरे बेटे बढ़िया बेटे, भाई जो जो जिसने कमेंट किया है बढ़िया एकदम बेटे। भाई साहब जिसने भाई कमेंट किया है भाई, उसने तो बचा लिया, थैंक यू सो मच भाई साहब। एक मिनट भाई, दूसरा पड़ाव आ गया, यहाँ पे क्या पूछा जाएगा मेरे से। कुछ नहीं पूछा जाएगा रे सिम्बा, यहाँ पे सिर्फ तेरे व्यूअर्स लोग को बोलना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यही बोलना पड़ेगा बेटा, उसके बाद तो आगे जा सकता है। जो जो देख रहे हो सब्सक्राइब देख करना पड़ेगा, एक बंदे को भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद तू तीसरे पड़ाव पे जा पाएगा, मतलब सीधे घर जा पाएगा और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा बेटा। ये भैया कह रहे जो देख रहे हो सबको वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तीसरे पड़ाव में जाऊंगा, वहां पे मैं अपग्रेड हो भी हो सकता हूँ और बहुत ज्यादा खतरनाक सीन होने वाला है। सो गाइस प्लीज मैं आपकी वजह से ही तीसरे पड़ाव पे जा पाऊंगा, जो देख रहे हो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दो, यहाँ से सब्सक्राइब कर दो। ए बेटा एक ने तो सब्सक्राइब ही कर दिया, एक ने सब्सक्राइब किया, थैंक यू रे बेटा। सो गाइस चलो गाइस दूसरा पड़ाव भी कंप्लीट, चलो तीसरे पे तो आ गया भाई साहब। यहाँ पे तो ही पोर्टल है जिस पोर्टल से घुसने के बाद मैं यहाँ पे आया था। एक मिनट भाई, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप के बंदा है भाई, कौन है आप भाई, एक बहुत ज्यादा खतरनाक सीन है। तू क्या तेरा बदला लेना चाहता है, तेरे फैमिली का पूरा खत्म कर दिया है, जाके इसके अंदर पीछे घुस जा, उसके बाद तू बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और तू सबसे बदला ले पाएगा, सबको मार डाल पाएगा, चीट डाल पाएगा, खा पाएगा, खाल उधेड़ देगा। भाई साहब ये तो ऐसा बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप का बोल रहे हैं, सर इनको पूछ लेते हैं भाई क्या बोल रहा है। सो गाइस मुझे बदला भी लेना है, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ उससे। तो इसके अंदर जा पाएगा तो तेरे फैमिली को फिर से वापस मिल पाएगा, बट तेरा पावर होगा क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, तू इसके अंदर जा पाएगा तेरे फैमिली से फिर से मिल पाएगा। ये योलो वाला कह रहे हैं मैं इसके अंदर गया तो मैं बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाऊंगा और मैं मेरा बदला भी ले पाऊंगा और दूसरे में जाऊंगा मैं मेरे फैमिली पे जा पाऊंगा। सो गाइस आप बताओ मैं किस पे जाऊँ। सो गाइस मुझे चलने लग गया फैमिली पे जाना ज्यादा बेहतर रहेगा भाई, फिर से मेरे फैमिली से मिल पाऊंगा। चलो गाइस फटाफट जाते हैं इसमें। ऑलराइट गाइस मैं ऊपर से नीचे गिर रहा हूं फिर से, नहीं भाई फिर से लग गया भाई, ये कौन सी जगह। एक मिनट, मैं तो ये मेरा ही घर है भाई, ये तो मेरा ही मुल्क है। एक मिनट गाइस, पत्थर के ऊपर कौन खड़ा है भाई, मेरा तो भाई बॉडी चेक करो, मैं तो पहले से कितना बड़ा बन गया हूँ। एक मिनट गाइस, तो मेरी मॉम यार, नीचे मेरा छोटा भाई है भाई साहब। एक मिनट गाइस, सारे मुल्क के बंदे यहाँ पे क्यों खड़े हैं भाई, मेरे को जितना लगा है भाई दूसरे पोर्टल में जाने के बाद में अपग्रेड भी हो गया हूँ और बहुत ज्यादा खतरनाक भी बन गया हूँ। सिम्बा राजा की जय हो, सिम्बा राजा की जय हो, महान सिम्बा राजा की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो सिम्बा राजा, आपके आपके खिदमत में हाजिर हूँ राजा, आप क्या हुक्म देंगे, जा अपना जो बोलोगे वही राजा की जय हो। सो गाइस वे फाइनली मेरा किंगडम का राजा बन गया भाई साहब। देखो गाइस मैं तो पहले से बहुत ज्यादा अपग्रेड भी हो चुका हूँ और मेरा फैमिली अभी तक मेरे पास है भाई, मैं तो भाई बहुत ज्यादा खुश हूँ। सो गाइस आप भी इसका पार्ट टू देखना चाहते हो तो प्लीज फटाक से एकदम पार्ट टू कमेंट करो, उसके बाद होगा भाई खतरनाक टाइप का सीन। सो आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।